अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साक्षी गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल मशहूर टू आई एंड फैमिली रिव्यू। व्यूअर्स, मैं आज मटन कढ़ाई गोश्त बना रही थी जो बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। तो जल्दी से बता देती हूं उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। मैंने तकरीबन 2 किलो गोश्त लिया है मटन का, और उसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के उसके लिए प्याज और तकरीबन 3 से 4 टमाटर और लहसुन अदरक का 2 चम्मच जो है पेस्ट लिया है। तो उसके लिए स्पाइसेस में मैंने तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी 1 चुटकी के बराबर अजवाइन, तकरीबन 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है। और इसके साथ जो है कढ़ाई गोश्त का जो मसाला है वो जाएगा, जो स्पेशल मैंने बना कर रखा है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो कढ़ाई गोश्त का कोई भी साशे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है, इसमें मैंने 2 गिलास पानी, ये देखिए पानी डाल दिया है, और इसमें तमाम स्पाइसेस जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो डाल दिए हैं। अभी आप साशे नहीं डालिएगा, जो मिर्ची है थोड़ी सी और ज़ीरा और नमक डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया, और इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं टमाटर और प्याज भी डाल दूँगी ताकि जब ये गलेगा तो वो भी इसके साथ ही गल जाएंगे। तो वो मैं ऐड करके अब इसको पकने दूँगी गोश्त गलने तक। और जब ये गोश्त गल जाएगा तो अगला प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जो कढ़ाई गोश्त का मसाला मैंने तैयार किया था वो भी मैंने ऐड कर दिया, आप चाहें तो एक साशे भी डाल दें। टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन पे लहसुन अदरक सब डाल के सब देखें गोश्त गलने तक इसको हम पकाएंगे। और जब ये पक जाएगा तो इसको, अब ये जब तक गोश्त गल नहीं जाता इसको पकाएंगे। जैसे गोश्त गल जाएगा इसका अगला प्रोसेस क्या है फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसका पानी तकरीबन ख़त्म हो गया है। मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कटोरी जो है कुकिंग ऑयल डाला है। अगर आपके गोश्त में चिकनाई ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिए। अब मैंने कुकिंग ऑयल डालकर इसको अच्छे से भून लिया है। इसको आपने अच्छे से भूनना है। अब देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह इसमें लुक आया है। बस मैं इसको हरी मिर्चों से और धनिया से मैं गार्निश करके बस इसको उतार लूँगी, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। देखिए व्यूअर्स, गुड लुकिंग एंड टेस्टी मटन कढ़ाई तैयार है। देखें कि इसका लुक कितना खूबसूरत आया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप घर में ज़रूर इसे बनाइएगा। आप जिस तरह से मैंने इसको बताया स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत आसानी से और बहुत टेस्टी बनेगी। इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।